What's up guys? Welcome back to my channel. This is Sigi Thakur. चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस में खेले जा रहे कैप्टेंसी टास्क की। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसे पिछले दिन ही देखा था कि कैप्टेंसी का टास्क चल रहा था जो कि शुरू ही हुआ था और निकी उसमें से बाहर हो गई थी और अर्शी को ऑलरेडी बिग बॉस ने सजा के तौर पे बाहर ही रखा हुआ था। कौन हुआ बिग बॉस में कैप्टेंसी का दावेदार? जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस में कैप्टेंसी का जो टास्क खेला जा रहा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका था क्योंकि सोनाली और अली दोनों ही दावेदारों में खड़े हुए थे। और इनके अलावा जिस तरीके से अली ने बहुत भीड़ चाल रची हुई थी कि कैसे करके पूरे टास्क को वो अपने फेवर में करना चाह रहा था, वो कहीं ना कहीं सोनाली ने पूरा नहीं होने दिया। सोनाली ने यहाँ पे कोई भी मास्टरमाइंड स्ट्रोक नहीं खेला, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी चीजों पे अड़ी रही वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। विकास का जिस तरीके से उसने सबसे पहले विकास को बुलाया कि पहले तो इनकी सहमति ही नहीं हो रही थी कि विकास को बुलाएं या फिर अभिनव को बुलाएं, जिस तरीके से टास्क चल रहा था वो वहां पे देखने में मजा आ रहा था कि अली को लग रहा था कि सोनाली तो उसकी बातों में बहुत इजीली आ जाएगी और अपने हिसाब से वो मनवा लेगा। लेकिन सोनाली ने वहां पे एक अच्छा दाव खेला और जिस तरीके से अली अपने ही दोस्तों के सामने रुसवा हो गया था पहले और यहाँ पे वो बहुत संभल के खेलना चाह रहा था, उस संभलने के चक्कर में ही अली कहीं ना कहीं धोखा खा गया। सोनाली ने विकास को बुलाया और विकास जो है गेम में बना रहा और उसने अली को ही बाहर कर दिया। इसके अलावा इनके लगा कि ये अभी टास्क और लंबा चलेगा और अभी किसको बुलाना है, तो बिग बॉस ने वो मौका ही नहीं दिया। सिर्फ एक राउंड और खेला जिसमें आपसी सहमति से सोनाली और विकास ने राखी को बुलाया। राखी और सोनाली दोनों दावेदार बन गई हैं अभी बिग बॉस में कैप्टेंसी की। इसके बाद जो घर में हल्ला किया है अर्शी ने, देखिए अर्शी का जो हल्ला करना है वो इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसा कि पवित्रा के टाइम हो गया था ना, कि चीजें वो जानबूझ के कर रही है, जानबूझ के लाइव्स बना रही है, जानबूझ के तोड़ रही है कि फुटेज उसके ऊपर आए, तो अर्शी का सेम पैटर्न चल रहा है। हालांकि पवित्रा जो चीजें करती थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, अर्शी जो कर रही है वो थोड़ी डिफरेंट है। अर्शी इरिटेट कर रही है अपने ही दोस्तों को, इसका पैटर्न शुरू से ही रहा, जो इसके ज्यादा करीब आ जाता है उसको ही ये इरिटेट करना शुरू कर देती है, बेवजह की बातें, बेवजह का वो पंगे करना शुरू कर दे रही है। और वहीं पे हमने देखा राहुल भी कहीं ना कहीं, राहुल वैद्य जो है ध्रुवीना के लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना के चल रहा है, जैसा कि उसने अर्शी को टोका कि अगर तुम उसको बार बार ऐसे पोक करती तो शायद वो उससे भी वर्स्ट सिचुएशन पैदा कर देता अर्शी के लिए। तो अर्शी को यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि उसके कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, क्योंकि अर्शी को ना दोस्तों की पहचान हो रही है और ना दुश्मनों की पहचान हो रही है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी बदल रही हैं। इसके अलावा जो घर में बिग बॉस ने घर वालों से मिलने का एक मौका दिया, घर में निकी जिस तरीके से अपनी माँ से मिली, निकी की माँ ने जो चीजें बताई वो भी सुनने लायक थी। लेकिन यहाँ पे एक ड्रामा जो घर वाले के आने पे होता है वो ड्रामा वैसे ही बरकरार रहा, झूठे इमोशन, झूठी सब चीजें। देखिए 3 महीने से अगर आप घर के अंदर हो और उसके बीच में एक बार आप जाकर भी आए हो, यानी कि 1.5 महीना भी आप मान के चलो कि 1.5 महीने में भी कम टाइम हुआ है आपको घर वालों से मिले हुए, उसके बाद आप ऐसे मिल रहे हो जैसे आप पता नहीं सदियां हो गई हैं, आप बचपन से अभी मिल रहे हो, तो वो मुझे समझ में नहीं आता वो ड्रामे क्या थे उनके। अली का मुझे बड़ा अजीब लगा, अली जिस तरीके से अपनी बहन को वीडियो कॉल के जरिए रो रहा था, अभी भाई अभी अभी तो तू आया है ना, तो अभी इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा इमोशन रो रो के दिखाने का मतलब क्या है? एक्टर हो समझते हैं आपको झूठी टीआरपी के लिए आंसू, मतलब कुछ रियल करो तो समझ में आता है, लेकिन झूठी आपको लगता है कि आपके रोने पे ही दर्शक जो है खुश होंगे, आपको इमोशन के साथ महेंगे, तो वो दिखावा लगता है। जो कि मुझे लगता है, पता नहीं अभी ऑडियंस को लग रहा है कि नहीं लग रहा, पर मुझे ये टोटली दिखावा लगा अली का। और इसके बाद जो अभी अभिनव को शिल्पा अग्रवाल जो मिलने आई, उन्हीं शिल्पा अग्निहोत्री, सॉरी अग्रवाल बोल रहा हूँ, शिल्पा अग्निहोत्री जो कि अपूर्व अग्निहोत्री की वाइफ है, जो टीवी की एक सेलिब्रिटी भी हैं, तो वो उनसे मिलने आई हुई थी। लेकिन मुझे लगा अभिनव का बहुत सही था, कोई रोना धोना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बड़े ईजिली और अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हुई। इसके अलावा जो घर में हो रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितना लोग बनावटी दिखावा करते हैं। खैर इससे एक बात तो समझ में आती है कि अभी इसी में लग्जरी बजट और कैप्टनसी टास्क भी दोनों का दोनों
कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो घर वाले आ रहे हैं उनसे जो पूछा जा रहा है कि घर में सोनाली और राखी में वो किसको नया कैप्टन चुनना चाहेंगे। तो 2 वोट अभी राखी के फेवर में गए हैं और 1 वोट जो सोनाली के फेवर में गया है। तो मुझे लग रहा है कि कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि राखी को वो लोग वोट कर रहे हैं जो राखी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और सोनाली को वो लोग वोट कर रहे हैं जो कि राखी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो लेट्स सी अभी इन दोनों में से कैप्टन कौन बनता है। जहां तक मेरा विचार है या फिर हिसाब लगा रहा हूं मैं, हो सकता है सोनाली घर की कैप्टन बन जाए, बिकॉज उनको आए हुए कुछ दिन हुए हैं और इम्यूनिटी की जरूरत भी है। और अगर टास्क ऐसे ही चला जिस तरीके से चल रहा है तो मुझे लगता है राखी की संभावनाएं ज्यादा है। लेकिन कायदे से अगर क्रिएटिव्स के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है सोनाली को ज्यादा दिन टिकाना है, तो सोनाली के बनने की चांसेस ज्यादा है। या फिर लास्ट मोड पे ही ऐसा कोई घर वाला भेजेंगे जो कि सोनाली को ही कैप्टन बनाएगा। तो लेट्स सी कौन बनता है। मेरी बातें सही होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन घर वालों के आने के बाद एक बात तो तय है कि घर में जल्दी से ही रिश्ते बदलेंगे। जैसे कि अभी अली की बहन ने कहा, अली को कि एजाज के साथ उनका जो रिलेशन है वो अच्छा है, एजाज उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये हिंट था कि आपको एजाज के साथ अलायंस बनाना चाहिए। राहुल और जैस्मिन तो है ही है, साथ में उसने रवीना और अभिनव का नाम नहीं लिया। जैस्मिन, आपको रवीना और अभिनव से दूर जाना चाहिए। तो ये कोई हिंट होते हैं जो कि बिग बॉस में लोग देते हैं, मिलने आते हैं तो देते हैं। तो ऐसे ही निकी की मम्मी ने भी उसको एक हिंट दिया कि रुवीना और अभिनव तुम्हारे एक अच्छे फेवर में हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ अलायंस बना के रखो। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके चीजें जो हो रही हैं उससे भी ज्यादा हमें देखने को मिलेंगी, और रिलेशन बहुत जल्दी से बनेंगे बिगड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे सोनाली की जो चीज नजर आ रही है कि कैप्टनसी अगर उससे दूर जाती है तो वो कोई ना कोई तिलमिला उड़ती है। अब भी सोनाली का जो रियल जो फेस है वो सामने आएगा इन 2 दिनों में। लेट्स सी क्या होता है, कैसा वो फेस होता है, क्या सोनाली कैप्टन बन पाती है या नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।